खातेगांव कन्नौज क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने हाल ही में खराब हुई फसलों के मुआवजे और 2016 से लेकर 2020 तक खराब हुई फसल की बीमा राशि को लेकर जिला कलेक्टर ने किसानों से मिलकर समस्या को सुनने के लिए आग्रह किया था। जिला कलेक्टर खातेगांव क्षेत्र में होने के बाद भी किसानों से मिलने नहीं आया। इस बार नाराज किसानों ने इंदौर बैतूल हाईवे रोड पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। 2-3 घंटे किसान अपनी मांग को लेकर सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रहे थे। जिला कलेक्टर के अनसुना करने पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और शासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। क्षेत्रीय प्रशासन के अधिकारियों ने समझाइश का प्रयास किया पर वह नहीं माने। इस पर सैकड़ों किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कुछ खातेगांव और कुछ कन्नौज में स्कूल भवनों को अस्थायी जेल बनाते हुए जेल भेज दिया गया। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। पोषण या किसी के अधिकार नहीं देती, फिर भी हम किसानों ने सोचा कि अपना मांगने में क्या जाता है। वही किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज करते हो, उन्हीं किसान के ऊपर बर्बरतापूर्ण पकड़ कर आप जेल में ठूसते हो, और सर में आनी चाहिए प्रशासन को। और कलेक्टर महोदय, पिछले 2 दिन से हमने आपको कल ज्ञापन दिया था, आपको मैसेज दिया था, आपको फोन गया SDM महोदय के माध्यम से, लेकिन आप किसानों के बीच आना उचित नहीं समझे। आज मंडी प्रांगण के अंदर किसान एकत्र 2 दिन से बैठे हैं और माननीय कलेक्टर महोदय सीधे हाईवे से निकल जाते हैं। अरे भैया, आप कलेक्टर हैं, आप जनता के नौकर हैं, जनता के सेवा के, आप नेता नहीं है, आप नेतागिरी मत झाड़िए। आपको सर में आनी चाहिए। किसानों की मांग क्या है भैया, उसका सब कुछ छिन गया। वो रबी की फसल की बुआई कैसे करेगा, वो खाद बीज की व्यवस्था कैसा करेगा, और आपको तो बिल्कुल राजनीति करनी है, थोड़ी सी सर में आनी चाहिए। और जो किसान साथी, आपसे भी निवेदन है, ठीक है अलग अलग पार्टी की विचारधारा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।